नमस्कार, झरोखा चैनल में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम आपको कबीर दास जी के जो साखियां हैं उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। ये कक्षा दसवीं की जो पाठ्यपुस्तक स्पर्श है, इसके पहले हम कबीर दास जी की साखियों की व्याख्या कर चुके हैं और अब हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न जो है वो सामने स्क्रीन पर आएंगे और उनके उत्तर मैं आपको यहां से दूंगा। पहला प्रश्न जो है वो इस बारे में है कि हमें मीठा क्यों बोलना चाहिए। तो इसका उत्तर ये है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जब दूसरों से हम बात करें तो हमारी वाणी में मिठास होनी चाहिए, शीतलता होनी चाहिए, तरलता होनी चाहिए, उसमें प्रेम रस से भीगी हुई बातें होनी चाहिए। इससे दूसरों को तो अच्छा लगता ही है, उन्हें आनंद आता है जब आप उनसे बहुत स्नेहपूर्वक बात करते हैं, स्वयं हमको भी उससे बड़ी संतुष्टि मिलती है। दूसरा प्रश्न है जो आपके यहाँ इस पर स्क्रीन पर आएगा और उसका उत्तर मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ, और वो है कि कबीरदास जी कहते हैं कि अंधकार को दूर करने के लिए हम दीपक जलाते हैं, अंधेरा होने से हमको कुछ दिखाई नहीं देता, कोई रास्ता पता नहीं चलता, तब हम दीपक जला करके उजाला कर लेते हैं और उजाला करने से हमको रास्ता मिल जाता है, चीजें दिखाई देने लगती हैं और हमको पता चलता है कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ जा रहे हैं। पर इसका वास्तविक अर्थ यह है कि मनुष्य के मन में जब अज्ञान रूपी अंधकार छाया रहता है तब उसे संसार की सत्यता का ज्ञान नहीं होता। इसलिए हमें ज्ञान की सत्यता को और संसार की सत्यता को पाने के लिए एक दीपक की आवश्यकता होती है, और वो दीपक है ज्ञान का दीपक। जब हम ज्ञान का दीपक जला लेते हैं अपने अंदर तो हमारा अंधकार मिट जाता है। फिर तीसरा प्रश्न है कि कणकण में ईश्वर व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। तो इसका उत्तर यह है कि सभी दार्शनिकों ने, विचारकों ने, भक्तों ने, संतों ने ये कहा है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कणकण में वह है। और इसका असल तात्पर्य कहने का यह है कि जिस मूल तत्व से संसार की प्रत्येक प्राकृतिक वस्तु की रचना हुई है, स्वयं हमारी रचना जिन तत्वों से हुई है, परमात्मा भी उन्हीं तत्वों से बना है। तो जब हम दोनों का और संसार की समस्त प्राकृतिक चीजों का निर्माण एक ही मूल तत्व से हुआ है तो इसका तात्पर्य है कि उस मूल तत्व का निवास सब में है, हर जगह है, हर कणकण में है। पर फिर भी हम क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि हम ईश्वर को गलत स्थानों पर तलाशने के आदि हो गए हैं। हम उसे मंदिरों में, मस्जिदों में, काबे में, कैलाश में समझते हैं, तीर्थ स्थलों पर जाने से मिलेगा, जबकि वह हमारे अंदर व्याप्त है। अगर हम अपनी आत्मा का उन्नयन कर लें, आत्मा को विकसित कर लें और हम ये समझ लें, जान लें कि आत्मा ही परमात्मा का हिस्सा है, तो वो हमको उसकी अनुभूति होने लगेगी, क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। चौथा है जो प्रश्न आपके इसमें आएगा, पहले प्रश्न का चौथा खंड है ये, और इसमें संसार में कौन सुखी है, कौन दुखी है, इस बारे में बताना है, और जागने सोने का क्या तात्पर्य है वो भी बताना है। तो उत्तर ये है कि कबीरदास जी ने इसका उपयोग करते हुए ये कहा है कि संसार में जो लोग किसी प्रकार की ज्ञानात्मक विधा में अपने आप को नहीं रखते, उनके पास दो ही काम होते हैं, खाना और सोना। वे भोजन करने के लिए ही जीवित रहते हैं
और भोजन करने के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम वो करते हैं वो है सोने का। तात्पर्य ये है कि उनका पशुओं की तरह भोजन करना और विश्राम करना के अलावा तीसरा कोई काम नहीं है, तो वो सुखी हैं, उन्हें कोई दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है। लेकिन जो लोग संसार की विपत्तियों को पहचानना चाहते हैं, संसार की वास्तविकता को जानना चाहते हैं, जान जाते हैं, वो दुखी रहते हैं, क्योंकि वो विपदाओं से, विपत्तियों से, संसार की मिथ्यावादिता से उन्हें महसूस होता है कि दुनिया में अगर हम सांसारिक कामों में लगे रहे तो वह हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा, तो वो दुखी रहता है। जागने से तात्पर्य है कि जो आदमी सचेत हो जाए और संसार को पहचान जाए वो जाग रहा है, और जो संसार को नहीं पहचानता, माया मोह में पड़ा हुआ है, वो सो रहा है। फिर पांचवा है अपने स्वभाव को निर्मल बनाए रखने के लिए कबीर ने क्या रास्ता बताया है, क्या सुझाया है, तो वो कहते हैं कि अगर आप अपने निंदक को अपने पास रखेंगे, जो आपके अवगुणों को बताता रहे, जो आपकी कमियों को दिखाता रहे, तो उससे आपका मन निर्मल हो जाएगा, स्वभाव जो है वो खरा हो जाएगा, क्योंकि आप अवगुणों को जानेंगे तो उन्हें दूर कर लेंगे। और अब जो है छठवां प्रश्न है, एक असेर पीव का पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है। उत्तर है कि किताबी ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं होता, वास्तविक ज्ञान होता है अनुभव, अनुभूति, प्रेम का। अगर परमात्मा के प्रति आपके मन में सच्चा प्रेम है, प्रेम की सच्चाई और सत्यता से आप वाकिफ हैं, तो उसका एक अक्षर ही जान लेने से आप परिपूर्ण रूप से ज्ञानी हो जाते हैं, क्योंकि आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है। और अब जो है वो इसी का सातवां हिस्सा है कि इसमें भाषा की विशेषताएं बतानी है, जो अब तक हमने साखियां जो पढ़ी हैं, 10 साखियां थी इसमें, तो उसमें भाषा की विशेषता ये है कि वे साधारण बोलचाल की भाषा है। कबीर साधु थे, जगह जगह भटकते थे, भ्रमण करते थे, तो उन स्थानों में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनके शब्द भी आ गए, इसलिए उनकी भाषा सदुक्कड़ी कहलाती है। सदुक्कड़ी यानी साधुओं की भाषा। संत जो है वो एक जगह रहते नहीं, स्थाई नहीं रहते, स्थाई रहता है मनुष्य, जिसको संसार से घर से लगाव है वो ही जो है वो घरवारी आदमी बनता है। और संत वैराग्य धारण करने से संत बनते हैं, जब उसको घर से मोह उसका मिट जाता है तभी वो संत होता है। तो संत एक स्थान पर रहेगा नहीं, क्योंकि एक स्थान पर रहने लगा तो वो भी साधारण मनुष्य बन जाएगा हमारी तरह, क्योंकि एक जगह रहने पर हमारा मोह पैदा होगा, लोभ पैदा होगा, जोड़ने का, बनाने का, पाने का हमारे अंदर भाव जागेगा। तो कबीरदास जी यही कहते हैं कि इसमें जो भाषाएं हैं वो उनकी सदुक्कड़ी है, घूमते फिरते हैं बहुत सी भाषाओं के शब्द। अब इसका खा भाव स्पष्ट करना है। बिरह भुजंगम तन बसे मंत्र न लागे कोयल सॉरी इसका भाव ये है कि जो परमात्मा के प्रति हमारा लगाव है और हम उससे जब तक मिल नहीं पाते तो हमारे अंदर बिछड़ने का, वियोग का दुख व्याप्त हो जाता है, और वह इस तरह से हमें तकलीफ देता है जैसे कि हमारे मन के अंदर कोई सांप अगर बस जाए तो वो हमको जो तकलीफ देता है वही देता है। और सांप का जहर का तो मंत्र भी होता है, उसे कैसे निकालें उसके उपाय होते हैं, लेकिन विरह रूपी सर्प से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है और वो है परमात्मा की प्राप्ति। अब हम इसी का दूसरा देखते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाए, इसका भाव स्पष्ट करना है। इसका भाव यह है
कि जिस तरह मृग को यह पता नहीं होता अज्ञान के कारण कि कस्तूरी जैसा सुगंधित पदार्थ उसी की नाभि में है, वो उसको बाहर खोजता है, ठीक इस तरह मनुष्य भी अज्ञान के कारण ये नहीं जानता कि परमात्मा उसके अंदर निवास करता है, वो उसकी खोज बाहर करने निकल पड़ता है और भटकता है, भटकते भटकते मर जाता है और ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाता। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानी है। ज्ञानी होता तो उसे मालूम पड़ जाता कि ईश्वर तो उसकी आत्मा में निवास करते हैं, तो वह उन्हें अपने अंदर खोजता। और इसी का अगला है, पोथी 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 पढ़े पढ़े जग मुआ पंडित भया न कोय। किताबी ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं होता, असली ज्ञानी वो है जो अनुभव करे। फिर भाषा अध्ययन के अंतर्गत कुछ प्रश्न हैं, तो उनमें से हमको प्रचलित रूप लिखना है, क्योंकि कबीर की भाषा में अपभ्रंश और अशुद्ध शब्दों का प्रयोग हुआ है जो बोलचाल में होते हैं, तो हमको उनके शुद्ध रूप खोजने हैं। तो औरन का शुद्ध रूप है औरों को, माही का मैं, देख्या का देखा, और भुजंग यानि सांप, नेड़ा यानि निकट, आंगन यानि आंगन, साबण का जो प्रचलित रूप है साबुन, मुआ का मरना, पीव का प्रेम, जालों का जलना, तास यानि उसका। तो यह थे कबीरदास जी की साखियों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। और हम आपसे अनुरोध करते हैं, कृपया से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका उत्तर देते हुए हमें बेहद खुशी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।